हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टीवे दी आपकी सहेली। कैसे हैं आप लोग? और आज का जो ब्लॉग एक रैंडम ब्लॉग है, उसमें मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी। और मैंने एक फ्लिपकार्ट से हींग मंगाया था, वो भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा हींग है। और ये जो साउंड आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि साइड के बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो और हाँ, लंच मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ। अकेले खाऊंगी तो अकेले खाने के लिए तो कुछ मन नहीं करता है, लेकिन मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। और शायद आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को ना पता होगा तो देख के आप लोग भी सीख लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। और मैं मानती हूँ वो एक सुपर फूड है। तो चलिए मेरे साथ और बने रहिए, देखते हैं क्या क्या करती हूँ मैं। ये है ड्रमस्टिक फ्लावर्स, वो सहजन की फली रहती है। ये उसकी वो फूल हैं, सहजन के फूल। और आपको पता होगा जो ड्रमस्टिक रहता है, इंग्लिश में ड्रमस्टिक बोलते हैं और हिंदी में सहजन बोलते हैं। तो इसकी रेसिपी बनाऊंगी आज, इसको बनाऊंगी मैं। ये यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, मिल जाता है, जिस टाइम पे ये आता है तो ये मिल जाता है। ये 10 रुपीज़ का लिया था मैंने ये फ्लावर। इसको क्लीन कर देंगे, क्लीन करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। इसमें बड़े बड़े जो डंडी हैं वो सब निकाल देंगे, फिर इसको मैं बनाऊंगी। ये मैंने अभी क्लीन कर लिया है। देखने भी बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्लावर मुझे, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है वो। आजकल एक क्या बोलते हैं, सुपर फूड का जमाना है, तो आपको हर जगह ना हर चीज का एक सुपर फूड मिल जाएगा। लेकिन जैसे चिया सीड एक सुपर फूड है ना, और किसमें क्या रिच मिनरल्स है ऐसे है, तो उसी तरह ये एक सुपर फूड माना जाता है। जो ड्रमस्टिक, इसका लीफ भी यूज होता है, इसका जो आज इसकी रेसिपी बनाऊंगी। रेसिपी मतलब इसमें कुछ नहीं है, बहुत सीधा सादा बनता है ये। और सबसे अच्छी बात है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वुमेन्स के लिए तो बहुत अच्छा है। जो सहजन के फूल पत्ते, सहजन का जो फली रहती है, वो हर कोई खाता है और रेसिपी बनाते हैं घर पे कोई भी, लेकिन ये जो फूल का रेसिपी बहुत कम लोग बनाते होंगे। और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से बनता है। बस जीरा प्याज मिर्ची का तड़का दो, हल्दी और थोड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल ही बन जाता है। ये है ड्रमस्टिक के फ्लावर, सहजन के फूल। ये मुझे मिला था एक आफूसाम, और मैं रोज़ एक दूध का पैकेट और एक छाछ का पैकेट मंगाती हूँ, तो मुझे मिला था ये सुबह ही, और इतने अच्छी तरह से इसको पैक करके लेके दिए थे। मैं जो हींग के बारे में बोल रही थी, ये वो हींग है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, और ये अखा हींग है। या नॉर्मली हमें मार्केट में हींग का पाउडर मिल जाता है जो कोई भी फ्लोर के साथ एडेड रहता है, ये रियल मतलब जो प्योर हींग है। और मैंने इसका रिव्यूज़ भी देखे थे, थोड़े अच्छे थे रिव्यूज़, तो मैंने मंगवा लिया था फ्लिपकार्ट से।
थोड़ा कॉस्टली आया लेकिन अच्छा था और बहुत अच्छा खुशबू है। मतलब जब उसका पैकेट खोली तो पूरा घर स्मेल से भर गया था हींग का। इसको मैं एक जो कांच के कंटेनर में खाली कर दूंगी, इसमें खाली मतलब भर के रख दूंगी और ये मेरा बहुत दिन चल जाएगा। एक्चुअली ये जो हींग है ये बहुत दिन चल जाएगा। ये है वो हींग, ऐसे पीसेस में हैं बहुत सारे, तो इसको थोड़ा सा तोड़ के मैं अलग में रखूँगी लेकिन अभी के लिए मैं पूरा इसमें ही रख दूँगी। ये जो अखा हींग है पूरा इतना स्मेल हो रहा है कि घर भर पूरा हींग का स्मेल ही आ रहा है क्योंकि बहुत प्योर हींग है। बहुत ही प्योर हींग है, हींग का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है अभी भी आ रहा है पाउच से, मतलब बहुत ही प्योर है ये। और ये मुझे मिला था, फ्लिपकार्ट से ही मंगवाई थी, शॉप का नाम है ई ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, शायद ई ट्रेडिंग और बोल के है, वहां से मैंने मंगवाया था। ये है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हींग खाड़ा, मतलब गोल्ड, 250 ग्राम है ये और बहुत ही प्योर है, अच्छा है।